नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा एक दिन बाद यानी कल 24 सितंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। ये ग्रैंड वेडिंग उदयपुर में होने जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति राघव चड्ढा की हम सफर बनने जा रही है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दोनों का बैकग्राउंड काफ़ी बड़ा है। ऐसे में शादी को खास बनाने के लिए हर तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। रहने खाने से लेकर शादी के हर मौके को यादगार बनाया जा रहा है। इसके लिए पैसे पानी की तरह बहाए गए हैं। खबरें तो यहां तक की हैं कि शादी के लिए पहुँचे मेहमानों को फ़ोन कैमरे इस्तेमाल करने की मनाही है। उनके कैमरों पर एक खास तरह का टेप भी लगाया गया है जिससे कि शादी की तस्वीरें बाहर लीक ना हो सके। इस शादी की खबरों के बीच परिणीति चोपड़ा की बड़ी बहन प्रियंका चोपड़ा को लेकर एक काफ़ी चर्चा हो रही है। बीते दिनों से ही खबरें हैं कि शादी में शामिल नहीं हो पाएंगी। अब इन खबरों के बीच एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने एक ऐसी पोस्ट की है जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का दिमाग घूम गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या पोस्ट है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में बहन परिणीति चोपड़ा की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, मुझे उम्मीद है कि अपने खास और बड़े दिन पर तुम इतनी ही खुश और संतुष्ट होगी छोटी बहना, हमेशा की तरह तुम्हें मेरा ढेर सारा प्यार। इस स्टोरी पर प्रियंका चोपड़ा ने राघव चड्ढा और परिणीति को हैशटैग भी दिया है। अब एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की इंस्टा स्टोरी को देखने के बाद यूजर्स के मन में सवालों की झड़ी लग गई है। लोग इस पोस्ट को देखने के बाद ये कयास लगा रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा शादी में आ पाएंगी या नहीं, इसलिए उन्हें सोशल मीडिया पर ही बहन को बधाई दे दी है। वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो कि प्रियंका चोपड़ा से सवाल कर रहे हैं कि क्या वो शादी में आएंगी या नहीं। प्रियंका चोपड़ा की शादी में शामिल ना होने की वजह उनकी पुरानी कमिटमेंट बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस का शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा है, इन्हीं कमिटमेंट की वजह से वो शादी अटेंड नहीं कर पाएंगी। प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके पति निक जोनस भी इस शादी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। बता दें कि ब्रदर टूर की वजह से निक जोनस इस शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। खैर, अब इंतजार तो उस समय का है जब इस शादी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सामने आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।